बिग बॉस के सीजन 14 का सफर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इस शो के कंटेस्टेंट की आफ्टर पार्टीज अभी भी चालू हैं। शो में एंटरटेनर का खिताब हासिल कर चुकी राखी सावंत ने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी, जिसमें राहुल महाजन, बिंदु दारा सिंह, सोनाली फोगाट और शो के कई कंटेस्टेंट्स एंजॉय करते नजर आए। राखी सावंत के क्रश रहे एक्टर अभिनव शुक्ला और उनकी पत्नी इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने। इस मौके पर पहुंची सोनाली फोगाट ने बिग बॉस सीजन 14 को लेकर काफी सारी बातें की हैं। आइए देखते हैं। बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स का रियूनियन है, तो आज कौन कौन आ रहा है, किससे मिलने वाले हो, क्या पार्टी करनी है, उसकी खबर देखिए। राखी की तरफ से इनविटेशन है ये, और मैं शुरू से ही राखी को इतना पसंद कर रही थी और सब लोग ही राखी को बहुत प्यार करते हैं, तो सबको इनविटेशन गया है। तो मैं अभी अभी पहुंची हूं और राहुल महाजन से मेरी बात हुई थी, वो आने वाले थे और भी कई लोग आने वाले हैं, शायद आ चुके हैं, तो मैं पहुंची हूं। बिग बॉस खत्म हो चुका है और बिग बॉस की विनर रुबीना है, आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? देखिए, मैं जब घर में एंटर हुई थी तो मेरे फेवरेट थे दोनों, राहुल और रुबीना, और घर में जब मैं रही तो किसी वजह से रुबीना में कुछ कमियां मुझे नज़र आई, लेकिन लास्ट में जब उनकी वोटिंग अच्छी हो रही थी, उनके फॉलोवर्स चाहते थे कि वो विनर बने, तो उनको सपोर्ट किया गया, तो विनर रुबीना है, तो लोगों की पसंद रुबीना है, तो उन्हीं को चुना सभी लोगों ने, तो जो लोगों की पसंद होता है उसका चुनाव हुआ है, तो वो सही हुआ है। बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए, परसों से मुझे पता चला था कि हम सब साथ मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथ में फिर से मिल रहे हैं। Any moment you want to share with us, Big Boss की जो आपके खास पले थे, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से मेरा और राखी का जो था ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही शुरू से ही, राखी ने एक दो जगह मुझे चीट किया, फिर भी मैंने राखी को माफ़ किया, क्योंकि उसका नेचर मुझे बहुत ही पसंद आया। राखी सबको हंसाती है, तो राखी के साथ सारी जो बातचीत रही, चाहे वो राहुल वैद्य के साथ रही और राहुल महाजन और सब लोगों के साथ, बहुत अच्छे जो लम्हे हम लोगों ने वहाँ पे बिताए वो बहुत अच्छे थे, सबके साथ ही अच्छा था। अभिनव के साथ भी बहुत अच्छा रहा, उनके साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, तो सभी अच्छा था। मैम, सलमान खान को मिलने का सपना आपका पूरा हुआ बिग बॉस में आने के बाद, ये तो आपने कहा, लेकिन फिनाले के दिन हमने आपको उनके साथ डांस करते देखा और वो विजुअल सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक सपना ही था सलमान जी के साथ, उनके साथ खड़े होना ही मेरा सपना था कि उनको देखे सामने से, और उनके साथ मैंने इच्छा जाहिर की थी काम करने की, तो फिर मंच पे जब नोरा के साथ मैं डांस करी थी तो मैंने उनको बोला, लेकिन सेकंड चांस उन्होंने मुझे दिया, तुषार कालिया ने जब मुझे इनवाइट किया स्टेज पे, तो सलमान जी ने अपने आप से ही सोचा कि ये मानने वाली नहीं है, तो दोबारा उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ डांस करने का, और बहुत ही एक मजाक मस्ती और डांस वो बहुत ही अच्छा सबको पसंद आया, और डिनर पार्टी में भी सलमान जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं अपने जो पसंदीदा मेरे जो कलाकार हैं, जो सुपरस्टार हैं सलमान खान, उनके साथ मैं इतना समय उनके साथ बातचीत कर पाई और उनके साथ मंच पे मैं परफॉर्म कर पाई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। थैंक यू सो मच।